इस वक्त आप पूरी दुनिया पर नजर डालेंगे तो सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। इस वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और कई देशों ने तो दोस्तों अपने हाथ खड़े कर दिए और आसमान की साइड को देख रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसका नाम है अमेरिका, वो भी अब इसमें हारता हुआ दिख रहा है कोरोना के सामने। कोरोना वायरस से अमेरिका के अंदर अब तक 720 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और बताया ये जा रहा है कि 53,000 से भी ज्यादा लोगों के अंदर ये वायरस पॉजिटिव पाया गया है अमेरिका के अंदर। वहीं दोस्तों बहुत ही तेजी से अमेरिका के अंदर भी ये वायरस बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया है 21 दिन के लिए भारत को। भारत में भी खतरा मंडरा रहा है और साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि भारत का भी कुछ इटली ही जैसा हाल होने वाला है। कुछ का कहना तो यह है कि भारत में ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कोरोना। और अमेरिका से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, यानी बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है भारत के लिए। क्या है बुरी खबर, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं भारत के अंदर तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसमें 720 से भी ज्यादा मौतें हो गई और 53,000 से ज्यादा लोगों के अंदर कोरोना वायरस पाया जा चुका है, अब तक वो बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर पहुंच रहा है। अमेरिका जैसा देश भी अब हाथ खड़ा करने की सोच रहा है और वो हारता हुआ दिख रहा है कोरोना के सामने। अब भारत की बारी है दोस्तों, क्या भारत इसको झेल पाएगा, क्या भारत ये हार जाएगा? पर साइंटिस्ट का कहना है कि भारत हार सकता है कोरोना से, क्योंकि भारत के अंदर बताया जा रहा है जैसे कि फैसिलिटीज है हेल्थ की, वो 112 नंबर पर आता है। वहीं दोस्तों बस हमारे जो 130 करोड़ देशवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमें इस कोरोना वायरस से लड़ना है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का फैसला लिया 21 दिन का, उसका आप पालन करिए, क्योंकि सभी साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर आप घर पर रहेंगे तो कोरोना वायरस की चेन टूटेगी और आप बच सकते हैं और आप इससे जीत सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप घर पे रहिए और हमें इससे लड़ना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या भारत में ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा कोरोना, आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।